नशा किसी भी परिवार या समाज के लिए घातक हो सकता है, जिसको खत्म करने की हर किसी की जिम्मेदारी है। यह बात बुधवार को करमबीर सिंह SHO पिंजौर ने कही। उन्होंने कहा कि पुलिस इसको खत्म करने को लेकर गंभीर है, जिस पर पुलिस द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। थाना प्रभारी ने कहा कि इसको खत्म करने में जहां पुलिस काम कर रही है, वही जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें पुलिस का पूरा सहयोग करे, क्योंकि नशे की लत से तो कई नस्लें खराब हो जाती हैं। नशे की जानकारी जो भी पुलिस को देता है उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए दूसरे युवाओं को जागरूक करने में साथ देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में त्योहार शुरू होने वाले हैं, जिस कारण पिंजौर के मेन बाजार में लोगों की भीड़ रहेगी। इसके वाहन चालकों को वाहनों की पार्किंग सड़क पर ना करें, बल्कि सड़कों से दूर गार्डन की पार्किंग में करें। नशे के बारे में, इससे हमारी आगे जनरेशन जो है ये सारी खराब हो रही है नशे के बारे में। फिर भी हमने जो डिपार्टमेंट है उसने स्पेशल नंबर लोगों को दिए हुए हैं। जो भी अपना नशे के बेचने वालों के बारे में, इनके बारे में जानकारी देगा, उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, उसकी पहचान बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। और नशे के इसको जाल को तोड़ने के लिए हमारी क्राइम टीमें और थाने से भी हर लग प्रयास किए जा रहे हैं। तो सर, अभी त्योहारों का सीजन भी शुरू होने वाला है, तो ट्रैफिक की बड़ी समस्या रहती है यहाँ पे। त्योहारों में लोगों से ये अपील है, गलत पार्किंग ना करें। जहाँ भी जगह पार्किंग की हो उस पर वहाँ पार्किंग पे लगाएं, और क्योंकि इससे कई बार दुर्घटना, त्योहार के टाइम पे अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें मातम का माहौल हो जाता है। इसलिए लोगों से यही अपील है हमारी कि अपनी पार्किंग में ही गाड़ी लगाएं, सड़क पे कोई भी अपनी गाड़ी खड़ी ना करें, और अफवाहों से बचें। कोई भी ऐसी अफवाह ना फैलाएं कि जिससे माहौल खराब हो।